खतरनाक हथियारों से लैस इंडियन एयरफोर्स के खूंखार गरुड़ कमांडो की बहादुरी के किस्से तो आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर दुश्मन से लोहा लेने वाली इस फोर्स को तैयार कैसे किया जाता है? जम्मू और कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना को मजबूती देने के लिए अब सेना के साथ गरुड़ कमांडो को भी शामिल किया गया है, जिसके लिए एयरफोर्स की स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स ने घाटी में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आतंक विरोधी ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया है। एक बेहतर गरुड़ कमांडो बनना आसान काम नहीं है। सभी रिक्रूट्स का बेसिक ट्रेनिंग कोर्स 1 साल का होता है। शुरुआती 3 महीने के दौरान जवानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसी दौरान अगले दौर की ट्रेनिंग के लिए बेस्ट कमांडो की छटनी हो जाती है। गरुड़ कमांडोज को मिजोरम में काउंटर इमरजेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय सेना का यह संस्थान पारंपरिक युद्ध में विशेषज्ञता प्रदान देने वाला प्रशिक्षण संस्थान है। इस संस्थान में न केवल गरुड़ कमांडो बल्कि दुनिया भर की सेनाओं के सिपाही काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशंस की ट्रेनिंग लेने आते हैं। ट्रेनिंग के अंतिम दौर में गरुड़ कमांडोज को भारतीय सेना के पैरा कमांडोज की सक्रिय रूप में तैनात यूनिट के साथ फर्स्ट हैंड ऑपरेशनल एक्सपीरियंस के लिए अटैच किया जाता है। गरुड़ कमांडोज दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक हथियारों से लैस होते हैं, जिनमें साइड आर्म्स के तौर पर TR-21 असॉल्ट राइफल, ग्लॉक 17 और 19 पिस्टल, क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए हेकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन, AKM असॉल्ट राइफल और शक्तिशाली कोल्ट M4 कार्बाइन शामिल हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर 2017 में उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा के हाजिन इलाके में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में 2 गरुड़ कमांडोज नीलेश कुमार व सर्जेंट मिलिंद किशोर शहीद हो चुके हैं।